बोलो बेटी। सुनो, हमारी दो बेटियां हैं, उन्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उनके हाथ पीले करने और उसके लिए पैसे जमा करने होते हैं। इस घर का लोन भी अभी पूरा नहीं हुआ और आप घर में मेहमान ले आए। इन अकेले की तनख्वाह से सब कुछ संभालना पड़ता है। दो लोग यदि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मित्र को अपने से अलग नहीं होने देंगे। कहेंगे मेरा मित्र ऐसा नहीं है बोलकर वाद विवाद करेंगे, पर अपने से अलग नहीं होने देंगे। दिख रहा है ना, फिर क्यों चिल्ला रही है? अभी तक आया क्यों नहीं? पिताजी। क्या हुआ बेटे राकेश, क्या हुआ? धामपुर से रात को निकलकर सुबह तक यहाँ पहुंच जाऊंगा, इस तरह आपके दोस्त ने कल ही फोन पर बता दिया था। अब कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन से ऑटो करके यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। उसके लिए इतने उत्साहित होकर कभी घर में कभी बाहर उसकी राह देख रहे हैं, ये सब क्या है पिताजी? धामपुर से भले ही वो रोज मुझसे बात करे, पर आमने सामने की बात कुछ और ही होती है। माधव, माधव, रतन, माधव, रतन, 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 माधव, 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 रतन, रतन, माधव, तुझसे मिलने के लिए मेरा मन कितना तड़प रहा था पता है? मेरी भी वही हालत है, तुझसे कब मिलूंगा बस यही सोच रहा था। अच्छा, ऑटो में आ जाता तू पैदल क्यों चला आया? बेकार का खर्च क्यों सोचकर पैदल ही आ गया। अच्छा बता, तेरा बेटा, तेरी बहू, तेरी पोती, सबके सब मजे में तो है? सब मजे में है। अच्छा, वहाँ तेरे बेटों का परिवार कैसा है? सब कुशल पूर्वक है। ठीक है, पहले मेरे घर चल, उसके बाद अपने घर जाना। नहीं यार, तू पहले मेरे घर चल, फिर मैं भी तेरे घर चलूंगा। ठीक है, चल। रतन, क्या हुआ? इन पेड़ पौधों की बहुत बढ़िया देखभाल कर रहा है तू। ये भी हमारे बच्चों की तरह है। चल अंदर चल। रतन, तू वहीं क्यों रुक गया? इस घर पे अब मेरा अधिकार नहीं। ये तू क्या बोल रहा है? अपनी भीगी आंखों से आखिरी बार इस घर को देख लूं, बस यही आशा लिए तेरे साथ चला आया। माधव, तेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। 2 साल पहले मेरे दोनों बेटे घर अपने नाम लिखवाना चाह रहे हैं, क्या करूं ऐसा तुझसे सुझाव मांगा था। अपना ही खून है ना, हमारी आखिरी सांस तक वो हमें पलकों पे बिठा कर रखेंगे, इसीलिए लिख कर दे दे ऐसा तूने मुझे बोला था ना। हाँ बोला था, और मेरी बात का मान रखते हुए तूने लिख कर भी दे दिया था। अच्छा, उससे इसका क्या संबंध? पिछले महीने मेरे दोनों बेटे अपने परिवार के साथ करीब 1 हफ्ता यहाँ रहे थे ना। हाँ माधव। उसी दौरान हमारे ही गांव के आरके फाइनेंस केवल जीत के पास से मेरे दोनों बेटों ने किसी को पता न चले वैसे रहस्यमय ढंग से 4 लाख रुपए में, वो भी घर के सामान के साथ मंजूर है बोलकर हलफनामा करा दिया। 2 दिन पहले आरके फाइनेंस केवल जीत ने धामपुर से मुझे फोन किया था कि 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर देना, ये जानने के बाद ही मैं ये बात जान पाया। 10 दिन जब मैं पोते पोतियों के साथ खुशियां बांटने के लिए यहाँ रहने के लिए आया तो मानो सिर पे आसमान टूट गया। मैंने अपने बेटे से पूछा
तो उन्होंने मुझे बताया कि व्यापार में नुकसान हो गया था, इसीलिए अचानक हमें घर बेचना पड़ गया। एक बार मुझसे भी पूछ सकते थे ना, ऐसा मैंने पूछा। तो घर हमारे नाम पर ही था ना, इसमें तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, ऐसा बोल दिया। अभी भी दुनिया भर का कर्ज है, ऊपर से तुम्हें यहाँ ठहरा कर हमसे तुम्हारी देखभाल नहीं की जा रही है। गांव जाकर आप खुद ही कमा कर खा लीजिए। दोनों ने 500-500 रुपये मेरे हाथ में रखकर मुझे भेज दिया। उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया। अनाथ? कौन अनाथ हो गया? मेरे जीते जी तू कैसे अनाथ हो सकता है? तेरे सगे संबंधियों ने तुझे छोड़ दिया होगा, तेरे अपने खून ने तुझे निकाल फेंक दिया हो, पर हमारे बीच में जो प्रेम है वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से होते हुए तू भला कैसे अनाथ हो सकता है? चल माधव, तू मेरे घर चल। रतन मेरे मित्र। ए, जो मेरा घर है वो तेरा भी है। चल चल, जल्दी चल। संध्या जल्दी आओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए, मेरे कोई 10 हाथ नहीं है। 5 बजे उठकर अभी तक घर का ही काम कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल और तुम्हारे ऑफिस तक जाने में मेरी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, चिल्लाओ नहीं, टिफिन करियर दो। ये लो। आओ, अंदर आओ। आइए काका। आइए। तुम दोनों कैसे हो? अच्छे हैं। बच्चे कहाँ गए बेटी? स्कूल गए हैं काका। राकेश, अगर तुम माधव की दुख भरी कहानी सुनोगे तो रो पड़ोगे बेटा। ये क्या कह रहे हैं? 2 साल पहले इन्होंने अपने बेटों के नाम घर लिख दिया था ना? हाँ। पिछले महीने जब वो दोनों अपने परिवारों के साथ यहाँ आए तो हमारे ही गांव के आर के फाइनेंसर को किसी को पता न चले वैसी योजना बनाकर घर 4 लाख रुपए में बेच दिया। क्या? हाँ, व्यापार में नुकसान हुआ इसलिए घर बेच दिया और अब आपकी देखभाल नहीं हो पा रही है बोलकर इसके हाथ में 500 रुपए रखकर इसे उस घर से बेघर कर दिया। इसलिए इसकी कहानी सुनके मेरा हृदय रो उठा और मैं इसे अपने घर ले आया। अब ये मेरा परम मित्र यही हमारे साथ ही रहेगा। सुनिए, जरा अंदर आइए। पिताजी जरा यहाँ आइए। ए, मैं और ये दोनों एक ही है, जो भी बात है यही बोल दे बेटा। मुझे आपसे बात करनी है, आप आइए। जा रतन, जा जा ना। क्या हुआ? वो आ रहे हैं। आपकी क्या मति मारी गई है? ए, 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 ये तो क्या बोल रहा है? ठीक है, मैं बोलती हूँ। बोलो बेटी। सुनो, हमारी 2 बेटियां हैं, उन्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उनके हाथ पीले करने और उसके लिए पैसे जमा करने होते हैं। इस घर का लोन भी अभी पूरा नहीं हुआ और आप घर में मेहमान ले आए। इन अकेले की तनख्वाह से सब कुछ संभालना पड़ता है। हाँ पिताजी, हमें आपका एक खर्च उठाना भारी पड़ता है, ऊपर से आप उसे भी ले आए, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? 3 वक्त का खाना, रहने की जगह और कोई बीमारी वगैरह आ गई तो वो भी हमें देखनी पड़ेगी। हमसे ये सहन नहीं होगा, उन्हें भेजिए यहाँ से। संध्या ने जो कहा है सही है, उसे भेज दीजिए। उसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। बचपन से ही साथ पड़े हम, साथ में बड़े हुए हैं। सुख हो या दुख, एक दूसरे को समझकर ही हमने साथ में जीवन बिताया। जैसे प्राण के बिना ये मानव शरीर निर्जीव होता है, ये तो तुम भी जानते होगे। एक बार नहाने के लिए हमारी इच्छा हुई और तालाब में नहाने के लिए हम दोनों गए। सबसे पहले नहाने के लिए मैं तालाब में उतरा, मुझे तैरना नहीं आता था। जब उसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा तो यह माधव छलांग लगाकर मेरे पास पहुंच गया। उसे भी तैरना नहीं आता था। वो तो अच्छा हुआ कि बड़ के पेड़ की एक लता पानी में गिरी हुई थी, जो काफी देर से मैंने पकड़ रखी थी। तब कुछ मछुआरों ने आकर हम दोनों की जान बचाई।
तुझे भी तैरना नहीं आता, किस धैर्य से तूने सोचा कि मुझे बचा लेगा? और पानी में कूद गया, मैंने उससे पूछा, उस पर माधो ने क्या कहा पता है? तू मेरा मित्र है, तू मेरा सर्वप्रिय मित्र है। जब तेरे प्राणों पर संकट आया, तुम उसे सहन नहीं हो पाया। तेरे बिना मैं कैसे जी पाता? बस इसीलिए सोचा कि मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊं और छलांग लगा दी। प्रिय मित्रों के सामने सगे संबंधी कुछ नहीं होते बेटी। एक स्त्री जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है, वो स्त्री उसे भूल सकती है, वो बच्चा उसे भूल सकता, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, ऐसा बाइबल में कहा गया है। हाँ बेटी, भले ही माता पिता संतान का साथ छोड़ दे, लेकिन जो साथ नहीं छोड़ता वो प्रभु का प्रेम है बेटी। ऐसे प्रभु पर विश्वास रखने वाला मैं अपने मित्र को कैसे भूल पाऊंगा बेटी? ऐसे प्रभु पर विश्वास रखने वाले अपने मित्र को मैं भला अपने से कैसे अलग पड़गाऊंगा? बोल बेटी। ए, खून का रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन मित्र का रिश्ता मन में हमेशा के लिए समा जाता। प्रेम ऐश्वर्य आने पर भी स्वार्थ पर नहीं लाता है, मरते दम तक हमारे साथ ही रहता है प्रेम। इसीलिए मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। इस प्रकार के प्रेम को मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं कभी नहीं भूल सकता बेटी। हम दोनों ही जा रहे हैं। ए, क्या बात है? क्या हुआ रतन, बताना। चल रास्ते में बताता हूँ। पिताजी, काका, काका, पिताजी, आपकी मित्रता के बारे में ना जानते हुए हमने बुरा भला कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। ये बंधुओं, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम देखने वाले आप भाग्यवान और भाग्यवती हैं। जिस प्रकार प्रभु ने आपके ऊपर प्रेम रखा हुआ है, इस कार्यक्रम के द्वारा वो आपसे भेंट करने आ रहा है। हाँ प्रिय बंधुओं, आज भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। समस्त संसार के मनुष्यों में थोड़े बहुत मित्र अवश्य रहते हैं, बच्चों के बच्चियों के मित्र रहते हैं। ये फ्रेंडशिप जो मित्रता का आभास कराती है, जिसमें प्रभु का आशीर्वाद रहता है, यदि एक अच्छा मित्र आपको प्राप्त होता है तो ये प्रभु का आपके ऊपर बड़ा आशीर्वाद होगा। प्रिय बंधुओं, यदि आपको कोई गलत मित्र प्राप्त हुआ तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए आपके ये मित्र दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाते हैं। उस मित्रता के विषय में, उनके प्रेम के विषय में प्रभु ने बाइबल में कई बार वर्णन किया है। नीति वचन 17:17 में मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। सब समयों में मित्र प्रेम रखता है, यही होता है मित्र का एक विशेषमय स्वभाव। प्रिय बंधुओं, अमीरी में भी प्रेम रखता है, गरीबी में भी प्रेम रखता है। जब कोई क्षति हो जाए तो पास में रहकर सहायता करता है, वही होता है मित्र। अमीर में ही जो आपसे जुड़े रहते हैं और गरीबी में देखकर दूर चले जाते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं हैं। सगे संबंधी इसी प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन मित्र का प्रेम विशेषमय होता है। चाहे कैसा ही समय क्यों ना हो, उनके प्रेम में कोई बदलाव नहीं आता है। सच्चे मित्र के प्रेम में कभी कमी नहीं आएगी। यीशु मसीह ही एक सच्चा मित्र है, उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। हर समय वो हमारे साथ ही रहता है। हम अमीर हों या गरीब हों, संकट में हों या किसी दुख से जूझ रहे हों,
वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, एक सच्चे मित्र की तरह वो हमारे साथ ही रहता है। तो उसकी मित्रता को क्या आपने अपना बना लिया है? मित्रों को देखिए, सब समयों में वो प्रेम रखते हैं, चाहे कैसा ही समय हो, हर संकट के समय में वो प्रेम रखते हैं, ऐसा हम स्वयं देखते हैं। प्रिय बंधुओं, केवल इतना ही नहीं, मित्र का प्रेम किस प्रकार का होता है पता है? हर परिस्थिति में जो हमें सांत्वना देता है वही होता है मित्र का प्रेम। दो लोग यदि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मित्र को अपने से अलग नहीं होने देंगे, कहेंगे मेरा मित्र ऐसा नहीं है बोलकर वाद विवाद करेंगे, पर अपने से अलग नहीं होने देंगे। पर एकाकी में उसे डांटेंगे, तू ऐसा करता है इसलिए सब तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा करता है बोलकर उसे सुधारेंगे। वही होते हैं सच्चे मित्र। यीशु भी वैसा ही है। यदि आप उसे ढूंढ कर उससे मित्रता बना लेंगे तो आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी कमियों को, हमारी बलहीनता को, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। मेरा मित्र ऐसा नहीं है बोलकर वाद विवाद करेगा, लेकिन जब अकेले में प्रार्थना करेंगे तब वो आपको डांटेगा, कहेगा ये कार्य ठीक से नहीं किया, ठीक से कर। लेकिन प्रार्थना अकेले करना, मित्र साथ होगा तो जब हम अकेले में जो बातें करेंगे तो मित्रता और घनिष्ठ होगी। हमें यीशु के साथ अकेले रहना चाहिए, बाइबल पुस्तक पढ़कर अकेले प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग हम साथ में प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं ये अच्छी बात है, सपरिवार प्रार्थना आवश्यक है, मिलकर प्रार्थना आवश्यक है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है एकाकी प्रार्थना। दिन में जितनी देर आप अकेले में प्रार्थना करते हैं उतनी देर यीशु की मित्रता का प्रेम पाकर उसके साथ आप जिएंगे। उसके द्वारा आपके अंदर यीशु की सूझबूझ कहां तक बसी है इस बात का पता चल जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अकेले आप आराधनालय में परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते हैं क्या? आपने उसकी मित्रता को अपना बना लिया है? अगर दो सच्चे मित्र हैं तो एक दूसरे को देखे बिना वो नहीं रह पाएंगे। हाँ प्रिय बंधुओं, मैं जब सेवा कार्य कर रहा था तो उस समय हम तीन मित्र साथ में थे। मैं सेवा करता, वे अलग अलग स्थानों पर काम करते थे। हर रोज अपने कार्य समाप्ति के बाद तीनों मित्र आपस में अवश्य मिलते थे, साथ में हर जगह जाते प्रार्थना के लिए भी, चाहे कोई सेवा कार्य है क्यों ना, यहाँ तक कि दुकान भी। हर रोज हम तीनों मित्र आपस में अवश्य मिलते थे। एक दिन यदि उनमें से कोई नहीं दिखा तो मन उदास हो जाता था, हृदय मानो रो उठता था। वही है फ्रेंडशिप, कि उससे मिल नहीं पाया, बात नहीं कर पाया, ऐसी एक वेदना। यीशु के लिए भी यदि आप अपने हृदय में वैसे ही एक स्थान बना लेंगे तो उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना, उसके वचन बिना पढ़े आप नहीं रह पाएंगे। वो एक सच्चा मित्र है पता है, हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा, हमें सांत्वना देगा, कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारेगा। इसीलिए उसके साथ हमें अकेले में रहकर प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रेम बदलेगा नहीं। यीशु मसीह ने 72 में मेरी रक्षा की थी, मुझे अपनी संतान बनाया, मेरे संपूर्ण हृदय को उसने पवित्र आत्मा से भर दिया। उस पवित्र आत्मा के स्पर्श द्वारा ही उसकी मित्रता से जो मेरे साथ हुआ उनका अनुभव मैंने पाया, और आज तक उसने कभी मुझे किसी के सामने नीचा नहीं होने दिया। मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ और उसने मुझे सुधारा हो ऐसा भी कार्य नहीं हुआ। वह हमेशा एक सच्चा मित्र है ऐसा आभास करेंगे, सांत्वना देगा, शक्ति देगा, सहनशीलता श्रेष्ठ बनाएगा। तू कर सकता है, तू ये कर पाएगा, तू विजय पा सकता है, ऐसा धैर्य पैदा करेगा। तू ये अवश्य कर पाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत के साथ इस कार्य को सफल करने का प्रयत्न कर, मार्ग दिखाऊंगा। जब कोई गलती हो जाए तो गलती का एहसास कर पछतावा होता है, अब से इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। प्रभु ऐसी एक अच्छी सांत्वना आपको देगा, हमें परिशुद्ध करके अच्छे मार्ग पर चलाएगा। वो एक बहुत ही अच्छा व सच्चा मित्र है। उसने हमारे लिए क्या किया आपको पता है? अपने मित्र के लिए उसने स्वयं का जीवन ही दे दिया। मित्र से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। हमारे लिए स्वयं का जीवन बलि देने वाला एक सच्चा मित्र, जिसने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, वैसा मित्र, उसे आप अपना मित्र बनाकर आज ही अपना लेंगे। प्रिय बंधुओं, जब हम उसे अपना मित्र बनाते हैं तो केवल एक तरफ ही सूझबूझ का होना काफी नहीं है। केवल मैं ही प्रभु के समक्ष जाकर अपनी समस्याएं, अपने कष्ट बोलूंगा, ये सब बोलकर मैं उसके पास से आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा काफी नहीं। उसके ऊपर भी कुछ भार है, उसके अंदर भी कुछ वेदनाएं हैं। दोनों सच्चे मित्र हैं तो एक दूसरे का भार आपस में उठाकर एक दूसरे की सहायता कीजिए। प्रभु को सहायता चाहिए, प्रभु का ऐसा क्या कष्ट है, उसे मेरी सहायता चाहिए। हाँ अवश्य चाहिए,
उसके हृदय पर कौन सा भार है, आत्मा पर भार है। उसे हमें समझना होगा कि हे प्रभु, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा दुख है। जब पूछेंगे तो वो कहेगा, अपनी प्रार्थना के समय में मुझे समझा दे प्रभु, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, तुम्हारे अंदर कैसा भार है। जब पूछेंगे तो वो वेदना के साथ कहेगा कि युवा लोग इस प्रकार नशीले पदार्थों का सेवन करके अपना जीवन सर्वनाश कर रहे हैं, उनके लिए तू प्रार्थना कर। इस प्रकार वो कहेगा, क्या उनके लिए तू रो रो कर प्रार्थना करता है, कहेगा। इस प्रकार जब प्रभु उसके अंदर का भार वो बताएगा और उसके कार्य के लिए जब आप रोज प्रार्थना करेंगे तो उसको कितनी संतुष्टि मिलेगी पता है। ऐसे हम उसके भार को कम करते हैं। हमारे देश में ही करोड़ों की संख्या में देशवासी जो दुखी अवस्था में, उनको मुक्ति मिलेगी। 7 करोड़ हमारे अपने राज्य में हैं जो दुखी हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, हमें भार को समझकर प्रार्थना करनी होगी। सुनामी के कारण भारी मात्रा में लोगों का निधन हो गया, इससे प्रभु प्रसन्न हुआ कि आप ऐसा समझ रहे हैं। उसे बहुत दुख पहुंचा है कि ऐसे अन्यायपूर्वक लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। जो बचे हैं वो संकट की अवस्था में हैं, दुखों से जूझ रहे हैं, कोई उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता है। हे प्रभु, पापों को क्षमा कर दे, शापों को क्षमा कर दे, ऐसी आपातकालीन विपदा कभी ना आए उसे रोक दे बोलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसके अंदर प्रसन्नता पैदा होगी। हाँ प्रिय बंधुओं, प्रभु के हृदय को समझ कर प्रार्थना करने की आदत डालिए। इस प्रकार जब मूसा ने प्रार्थना की थी तो एक मित्र की तरह प्रभु ने मूसा से बात की थी। निर्गमन 33 के 11वें वचन में इस प्रकार हम बाइबल पुस्तक में पढ़ते हैं, मूसा ने इसी प्रकार सूझबूझ के साथ जब दूसरों के दुखों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर की मित्रता को वह समझ पाया था। अब्राहम नाम के विषय में प्रभु कहता है यशाया 41वां अध्याय 8वें वचन में कि अब्राहम मेरा मित्र है, ऐसा यीशु ने कहा है। अब्राहम कैसे उनका मित्र बना? जब पूरा देश समाप्त होने जा रहा था, वैसी अवस्था में ऊपर देखकर वो चिल्लाने लगा, क्षमा कर प्रभु, नीचे या प्रभु, ऐसा बोलकर प्रभु के समक्ष वो बार बार बोलने लगा। और हमारे ही देश को देखिए, जाने कितने ही लोग पाप से ग्रस्त होकर दुखों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए क्षमा कर प्रभु, लोगों को क्षमा कर। अब हम प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमपिता, तेरी इन सच्ची संतान के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। करोड़ों हमारे देशवासियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, करुणाकारी परमेश्वर, हमारे व हमारे संतानों के पापों को क्षमा कर दे प्रभु। हमने पाप करके तुझे दुख पहुँचाया है पिता, तेरी आराधनालयों को हमने दुखी करके हमने वेदनाएं पहुँचाई। पाप के लिए, अन्याय के लिए प्रभु हमने पाप कार्य को स्थान दिया। अब हमें पछतावा हो रहा है, कृपा कर हमारे पाप क्षमा कर। हमें व हमारे लोगों को तो क्षमा करके अब कोई ऐसी गलती ना हो, इस प्रकार से तो हमारी रक्षा करेगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे अंदर जो भार है उसको समझकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर किसी के लिए रक्षा हो, वे तेरा प्रेम समझे, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तेरा मित्र बनकर हर रोज हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा तुझसे मेल मिलाप करते हैं। परमपिता, जो जो तेरे प्रेम को समझकर तुझे अपना मित्र बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को आज तेरे हाथों का पवित्र स्पर्श प्राप्त होना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। इनमें जो कोई भी बीमारी से ग्रस्त होकर बलहीनता से जूझ रहा है, हर एक को तू अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, आवश्यकताओं की पूर्ति कर, कमियों की पूर्ति कर, उन्हें प्रसन्न कर दे। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता। Amen. Amen. For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.